मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे चिकित्सक। सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष आईएमए और झांसा के डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ झांसा के चिकित्सकों ने सरकार से राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एके बरेलिया ने सरकार से जनहित को देखते हुए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के 18 राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। यह बिल जनता के हित में है। इससे लागू होने से गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों का डॉक्टर सुरक्षित माहौल में निर्भीक होकर इलाज कर सकेंगे। इसमें कैजुअलिटी कम होगी। राज्य में एक्ट लागू नहीं किए जाने से साफ जाहिर है कि सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील नहीं है। धरना को संबोधित करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया तो डॉक्टर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। धरना में मुख्य रूप से झांसा अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा, झांसा स्टेट उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार पाठक, डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद, डॉक्टर के एन प्रसाद, डॉक्टर सुधीर आर्या, डॉक्टर बी तिवारी, डॉक्टर उदय श्रीवास्तव, डॉक्टर शरद जैन, डॉक्टर सौम्या जैन, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार गुप्ता, डॉक्टर राहुल बरेलिया सहित कई डॉक्टर उपस्थित। दी वेब्स वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है